गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस हेवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि टैक्सोनॉमी से रिलेटेड जो भी मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही हूँ, वो सारे के सारे चैप्टर आप लोगों के एग्जाम में एज इट इज पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है रवि, वेरी गुड इवनिंग। अर्पित, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता है कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टैक्सोनॉमी के 25 क्वेश्चन करा दिए थे। कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टैक्सोनॉमी के करा दिए थे। तो उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और सबसे पहले तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे साइंस हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हमारे 25th क्वेश्चन के बारे में, जो कि घड़ियाल से संबंधित था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और काफ़ी बच्चों ने यह पूछा था कि मैम घड़ियाल जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गंगा रिवर में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, हैप्पी किंग, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। और जल्दी से आप सभी यहाँ पर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो क्लास को हम यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का होगा वह जल्दी से आपको बताना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है। और इसका जो आंसर है वो है गंगा। क्या? गंगा। तो अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो भी आपके गैवलीस है, क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन गंगा रिवर, है ना। और लास्ट टाइम मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भी गंगा रिवर होता है, जो भी गंगा रिवर है हमारी, उसमें अगर आप गंगा जी की स्टेचू को आप देखते हो तो वहां पर आप देखेंगे कि वह किसके ऊपर बैठी हुई दिखाई देती हैं? घड़ियाल के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती हैं। और आपको मैंने यह भी बताया था कि हमारे इंडिया के अलावा यह बांग्लादेश और इसके बाद नेपाल में यह दिखाई देते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में घड़ियालों की संख्या इस टाइम पर ज्यादा है। ठीक है, और इनको बचाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। ठीक है दिवाकर, वेरी गुड इवनिंग। दानिश, वेरी गुड इवनिंग। अर्पित, रवि, सूर्या, राजन, नमस्ते सभी को। धीरेंद्र कुमार, नमस्ते। ठीक है गुंजन, नमस्ते। सूर्या, एम के मिक्स, सभी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे हम यहाँ पर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज एन एंट्रोयस एनिमल, इनमें से कौन एक अत्याचारी जानवर है। यह भी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही करवा दिया था और आप लोगों को यह बताया था। वेरी गुड रवि, आप, मैं सौरभ, थैंक यू, मैं ठीक हूँ बेटा। इसके बाद मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, ओटर के बारे में, किसके बारे में, ओटर के बारे में, तो यह कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है, है ना। तो आपने सीरियल्स देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, उसमें कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि सीरियल किलर कौन है जो एक के बाद एक मौतें कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप ओटर के बारे में बात करते हैं, ऊंट के बारे में बात करते हैं, तो यह क्या काम करता है? एक के बाद एक सबको मारने का यह काम यहां पर करता है। तो फटाफट से इसको यहां पे नोट कर लीजिए, फटाफट से आप इसको यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो। हाँ बेटा जी, इसको उद बिलाव भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप यहाँ पर उद बिलाव भी कह सकते हो। उद, इसको उद वर्ड इसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है। उद बिलाव भी आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। ये किस नाम से फेमस है आप बताएंगे? सीरियल किलर के नाम से यह फेमस है। ठीक है, श्रद्धा साहू, वेलकम। अखिलेश, रविशंकर शर्मा, दानिश, सभी आ चुके हैं। उद बिलाव बेटा, उद बिलाव। ठीक है, उद बिलाव। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन द स्ट्रीट इज, आमतौर पर जो सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला जो भालू होता है वह कौन सा होता है, वह कौन सा होता है? नहीं नहीं अखिलेश, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हैप्पी कर देंगे। ठीक है पंकज, बहुत बढ़िया। हाँ, सावधान इंडिया में दिखाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या होगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
मैंने आप सभी को स्लॉथ बियर के बारे में पढ़ाया हुआ है। किसके बारे में पढ़ाया हुआ है? स्लॉथ बियर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जो स्लॉथ बियर होते हैं वह एक प्रकार के सामान्य छोटे से भालू होते हैं, और उन भालू की अगर आप बात करो तो वह भालू किसके साथ, जो एल्गी होती है, जो शैवाल होती है, उसके साथ या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर आप भालू के कलर के बारे में बात करें तो भालू का कलर कैसा होता है, आप कह सकते हैं कि भाई कैसा होगा भालू का कलर, तो आप यह बताना कि भाई ब्लैक कलर का होता है यानी काले रंग का, या फिर ब्राउन कलर का होता है भूरे रंग का, या फिर कभी कभी रेड कलर का भी हम देख सकते हैं। पोलर रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो व्हाइट कलर का होता है यानी कि सफेद रंग का होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें पता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं एक ऐसे भालू के बारे में बात कर रही हूं जो कैसा है, हरे रंग का है, कैसा है, ग्रीन कलर का है, तो आप कहेंगे कि मैम क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो। अगर आप देखो तो कोई भालू हरे रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भालू के ऊपर जब एल्गी यानी कि शैवाल जम जाती है तो उसके बाहर से कलर कैसा दिखाई देता है, आप बताएंगे हरे रंग का दिखाई देता है। और इसी तरह के भालू को क्या कहा जाता है, आलसी भालू कहा जाता है। ये ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा आलसी होता है, यह काम नहीं करता है, यहां तक कि यह अपना खाना ढूंढने के लिए भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसके ऊपर शैवाल जमी हुई होती है जो इसके ऊपर खाने को अवशोषित करती रहती है और भालू को धीरे धीरे से खाना यह देती रहती है, ठीक है। चलो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट ए मैन और ह्यूमन फ्रॉम एप्स, इनमें से कौन सी संपत्ति या कौन सा करैक्टर आदमी या मानव को वानरों से अलग करता है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर? ए आंसर, यानी कि इनवाइस ए डिजायर टू लर्न, यानी कि सीखने की इच्छा पैदा करना, सीखने की इच्छा पैदा करना, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में तो जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि सीखने की इच्छा होती है, नई नई चीजों को सीखने की इच्छा यहाँ पर होती है, और यही इनको ऐप से, कपी से, वानरों से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन ऐप, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानर नहीं है, इनमें से कौन सा एक वानर नहीं है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे बेटा, कौन सा आंसर हो जाएगा, यह भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले पढ़ाया हुआ है कि अगर आप लंगूर के बारे में बात करते हैं तो जो लंगूर है वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अगर आप गिबन, गोरिल्ला और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑरंगुटान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन कपियों के अंदर, इन ऐप के अंदर आप देखेंगे कि पूंछ नहीं होता है, ठीक है, टेल नहीं होता है। लेकिन अगर आप लंगूर के बारे में बात करते हैं तो जो भी आपका लंगूर होता है, जो भी आपका लंगूर होता है उसकी क्या होती है, बहुत ही लंबी सी पूंछ यहाँ पर दिखाई देती है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। हाँ कोई बात नहीं योगेश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आकाश नमस्ते बेटा। चलो तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो अगर आप लंगूर के बारे में बात करते हैं तो लंगूर के पास एक बहुत बड़ी सी पूंछ यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप इज, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा आदमी जैसा बंदर कौन सा है, चलो जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल गुंजन, जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर। अगर आप यहाँ पर गिबन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि गिबन के लिए सही शब्द लंगूर नहीं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों बच्चे हैं वह गिबन ही याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना? गिबन ही याद रखना, ठीक है। लंगूर इसके लिए सही शब्द नहीं है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप गिबन वर्ड ही यहां पर याद रखना कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट मैन लाइक
एप यानी गोरिल्ला, चिंपांजी, ऑन्टोगोन, इनकी अगर आप बात करते हैं तो ये काफी बड़े साइज के होते हैं, काफी बड़े बड़े इनका जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, इंसान की तरह दिखते हैं लेकिन काफी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं गिबन के बारे में तो इनका जो साइज होगा वह काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा जेंटली पेस आते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो हम कितने जेंटली पेस आते हैं, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। रवि नमस्ते, क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आकाश शुक्ला, कोई बात नहीं, चलो अब हम यहाँ पर, ठीक है। सुरेंद्र नमस्ते, नमस्ते सभी को, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है दीपक, बहुत बढ़िया, ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ, इसका यह मतलब है यहाँ पर कि पांडा किस परिवार से, किस एक ही परिवार से संबंधित है। अगर आप पांडा के बारे में बात करते हैं तो आपने कुंग फू पांडा मूवी देखी होगी, एनिमेटेड मूवी देखी होगी, मेरी तो बहुत ही फेवरेट मूवी है वह, एनिमेटेड मूवी है, कार्टून मूवी है ना। तो अगर आप वहां पर पांडा के बारे में बात करते हैं तो पांडा जो है वह कौन से परिवार का सदस्य है, बियर यानी कि भालू, कैट यानी कि बिल्ली, डॉग यानी कि कुत्ता, रैबिट यानी कि खरगोश। बहुत बढ़िया, नमस्ते अनुराग, वेरी गुड मॉर्निंग, तो गुड इवनिंग एक्चुअली, ठीक है। तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे भालू, कौन सा आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, भालू, ठीक है। तो भालू परिवार का ही यह यहाँ पर सदस्य होता है, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा मैम, अच्छा चलिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव द थ्री चैम्बर्ड हार्ट, निम्नलिखित में से किस जानवर के तीन दिल में तीन चैम्बर होते हैं, हृदय में तीन कक्षीय हृदय होते हैं। चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है वह किसके अंदर पाया जाता है, सबसे पहले तो जो एम्फीबिया होते हैं यानी कि जो उभयचर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, और मैंने क्या बताया था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जो सरीसृप होते हैं उनके अंदर पाया जाता है ना, इन्हीं दोनों के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर देखते हैं एक एक करके, अगर आप यहां पर बात करो तो जो आपका मंकी है वो तो मैमल है, बंदर है, इसके अंदर फोर चैम्बर्ड पाया जाएगा, है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिश में भी नहीं पाया जाएगा, मछली में तो टू चैम्बर्ड होता है, कितना होता है, टू चैम्बर्ड, एक चैम्बर्ड नहीं होता योगेश, कितना होता है, टू चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल की अगर हम बात करते हैं तो क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है, तो बच क्या गया, फ्रॉग, और फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। तो इससे हमें यह यहाँ पर पता चल गया है, इससे हमें यह यहाँ पर पता चल चुका है कि जो भी आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, यहाँ पर डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सबको याद हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए गैल ब्लडर, निम्नलिखित में से किसके अंदर पित्ताशय की थैली नहीं होती है, पित्ताशय की थैली नहीं होती है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, क्या हो गया दीपक, क्यों रो रहे हो बच्चा आप, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, इनमें से किसके अंदर गैल ब्लडर नहीं होता, इनमें किसके अंदर पित्ताशय नहीं होता। अब यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है, क्या कि कैमल में भी नहीं होता, जिराफ में भी नहीं होता, रैट में भी नहीं होता, और फिश में भी नहीं होता, तो आपको कमीशन की तरफ से एक नंबर फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो अगर आप देखो ना, इन सब में अगर आप देखो तो आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं डियर फैमिली के बारे में, हिरण की फैमिली के बारे में, जैसे मस्क डियर के बारे में बात कर रहे हैं, कस्तूरी मृग के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अगर हम जेब्रा फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, या हम ऊंट के बारे में, जिराफ के बारे में, और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं एलिफेंट के बारे में यानी कि हाथी के बारे में, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं व्हेल के बारे में यानी कि व्हेल, व्हेल को तो व्हेल ही कहा जाता है, व्हेल के बारे में, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कबूतर या डव जैसे पक्षियों के बारे में, या फिर हम बात कर रहे हैं चूहे के बारे में, फिश के बारे में, तो इन सभी में पित्ताशय की थैली नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, ये आप में एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो
तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक, आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हूफ्स आर नॉट फाउंड, निम्नलिखित में से किसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। चलो जल्दी से आंसर कर लेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैकाल, यानी कि जो सियार होता है, सियार की अगर आप बात करते हैं तो जो सियार होता है उसमें खुर नहीं पाया जाता है, क्योंकि सियार किसके अंदर आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डॉग फैमिली के अंदर यह आ जाता है। आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि नील गाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली, यानी कि अगर आप यहाँ पर नील गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो जो नील गाय है वह किससे संबंधित है, किस परिवार से वह संबंधित है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी तक किसी भी बच्चे का यहाँ पर सही आंसर नहीं आ रहा है, क्या हो गया बेटा, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है क्या सभी ने? एक तो मैं अभी देख रही हूँ कि बच्चे एकदम कम होते जा रहे हैं दिनों दिन, ऐसा क्यों, क्या हो गया? एग्जाम आप लोगों के सर पे है पर आप लोगों को बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं है। बेटा नील गाय की अगर हम बात करते हैं तो नील गाय हिरण के परिवार से संबंधित है, इसके पीछे गाय जरूर लिखा हुआ है लेकिन यह किस परिवार से संबंधित है आप बताएंगे, हिरण के परिवार से यह संबंधित है। और इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, एशियन एंटेलोप, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि डियर लाइक, कैसा, डियर लाइक, हिरण की तरह यह होता है, हिरण के ही यह कह सकते हैं चाचा भतीजा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो नील गाय की पूरी दुनिया में लगभग 90 प्रजाति ही जिंदा है, केवल 90 स्पीशीज ही जिंदा है या उसके आसपास जिंदा है, और बहुत तेजी से इसका शिकार यहाँ पर हुआ जा रहा है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कि लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप किसे कहा जाता है, तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है नील गाय को ही यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि हिरण परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एशिया में कौन सा है, तब आपको आंसर होगा, आप बताएंगे कि नील गाय यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है रवि, ठीक है सम्राट, सम्राट वाईफाई पे मेरी जो क्लास होती है वह 8 बजे होती है, ठीक है 8 बजे होती है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें लिस्ट यहाँ पर मैच करना है, ठीक है, तो पहले इंग्लिश में मैच कर लेते हैं फिर हिंदी में करेंगे। एक तरफ लिखा हुआ है जो भी आपके वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है उनके साइंटिफिक नेम, ठीक है, कभी साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया हुआ है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इनको जोड़ियों में मिलाते हैं। अगर आप यहाँ पर वाइल्ड एस के बारे में बात करते हैं, जंगली गधे के बारे में बात करते हैं, तो जंगली गधे का जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है, एक्वस हेमिनस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाता है बारहसिंगा, बारहसिंगा की अगर आप बात करते हो तो बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है वह है यहाँ पर सर्वस ड्यूवेनिसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर चिंकारा, चिंकारा की अगर हम बात करते हैं तो चिंकारा का जो साइंटिफिक नेम है वो है गैजिला, ठीक है, जो कि हिरण की प्रजाति होती है। और अगर आप नील गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो नील गाय के लिए जो साइंटिफिक नेम है वो है बोसला फस, तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो इसीलिए जो आंसर यहाँ पर होगा वह क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग डिमांड करें तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास ला दूंगी, दी एक होता है ना चैम्बर, हर्ट दिल एक होता है ना चैम्बर, अनुराग किसका बेटा, किसी भी प्राणी का अभी तक वन चैम्बर्ड नहीं है, ठीक है, वन चैम्बर्ड नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश, ठीक है अर्पित, चलो ठीक है विक्रम गिल, नमस्ते नमस्ते, ठीक है जितेंद्र, चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक मूल का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक मूल का है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कोरल, फिर आप बात करते हैं यहाँ पर एमरल्ड यानी पन्ना, फिर रूबी यानी माणिक, और फिर आप बात करते हैं यहाँ पर टोपाज, तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कल रात को हुई थी यहाँ पर क्लास, मैराथन क्लास हुई थी बच्चा, ठीक है अजय,
अजय अमृता साहू के नाम से है, अमृता अमृता मैम के नाम से है, ठीक है ठीक है धीरेन्द्र जी। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, आंसर जो हो जाएगा वह होगा यहाँ पर ए आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मूंगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपके कोरल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके कोरल्स होते हैं, मूंगा जो होते हैं, वह एक्चुअली में किससे बनाए जाते हैं? एक तरह का मरीन इनवर्टिब्रेट होता है, एक तरह का समुद्री अकशेरुकी प्राणी होता है, उनसे यह बनाया जाता है, जो कि किस परिवार के सदस्य होते हैं? निडेरिया परिवार के सदस्य होते हैं। किस परिवार के होते हैं? निडेरिया परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है। चलिए, जिनको पॉलिप्स भी कहा जाता है। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस क्या है? चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, ऑक्टोपस क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टोपस की अगर आप बात करते हैं तो यह एक तरह का मोलस्का होता है। क्या होता है? मोलस्का होता है। अगर आप बात करते हो किसके बारे में? पाइला के बारे में, यानी शंख के बारे में बात करते हो। अगर आप यहाँ पर एप्पल स्नेल, क्या? एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल भी किसे कहा जाता है? शंख को ही कहा जाता है, जो बड़ी आकृति के शंख होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं लैंड स्नेल के बारे में, तो आपने घोंघा देखा है ना, घोंघा देखा होगा आप सभी ने। या फिर अगर आप बात करते हैं किसके बारे में? पर्ल ऑयस्टर के बारे में, पर्ल ऑयस्टर के बारे में, तो अगर आप देखें तो जो भी आपका पर्ल ऑयस्टर है, जिसको आप कहते हो मोती वाली सीपी, क्या? मोती वाली जो सीप है उसके बारे में अगर आप बात करते हैं, तो ये सभी के सभी क्या किसके अंदर पढ़े जाते हैं? मोलस्का के अंदर पढ़े जाते हैं। और ऑक्टोपस भी उसी का ही एक एग्जांपल है, जिसको हिंदी में कई बार अष्टभुज भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ऑक्टोपस के बारे में बात करते हैं तो ऑक्टोपस के इस तरीके से 8 भुजाएं निकली हुई होती हैं, 8 लिम्ब्स यहाँ पर निकली हुई होती हैं। तो अगर आप ऑक्टोपस के बारे में बात करते हैं तो ऑक्टोपस क्या है, किस परिवार का सदस्य है, आपको बताना है मोलस्का परिवार का सदस्य यह होता है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 33 तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। क्या था क्वेश्चन 33? 33 का कोई आंसर होगा ही नहीं, बताया तो था, कोई आंसर नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं, सही ही दे रखे हैं इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो सभी यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यहाँ पर अगर आप आंसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मोलस्का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मोलस्का के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे लार्जेस्ट जो मेंबर्स होते हैं वह किसके पास होते हैं? इन्हीं के पास, मोलस्का के पास ही होते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज, सबसे बड़ा कशेरुकी प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा कशेरुकी प्राणी कौन सा है? बहुत बढ़िया रविशंकर, रवि धामा इसी टाइम पर ही आपकी चलेगी क्लास, ठीक है, परेशान मत होइए। अब जल्दी से बता दीजिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी यहाँ पर कौन सा होता है, कौन सा होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, 29th का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर स्क्विड के बारे में, तो जो स्क्विड होता है वो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी वह होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अदर देयर, यानी कि निम्नलिखित जीवों में से कौन सा अन्य तीन वर्ग से संबंधित नहीं है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका केकड़ा होता है वह बाकियों से अलग है। केकड़ा जो होता है वह, क्रेब जो होता है वह बाकियों से अलग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्रेब के बारे में बात करते हैं तो यह आर्थ्रोपोडा फैमिली से संबंधित है, लेकिन इसका जो क्लास होता है, इसका जो क्लास है इसका, वह क्या होता है? तो लिख लीजिए यहाँ पर, मेलाकोस्ट्रेका होता है। क्या होता है? मेलाकोस्ट्रेका। और इन तीनों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी जो क्लास होती है वो होती है एरेक्निडा। क्या होती है? एरेक्निडा। तो इसीलिए अब हम बात करें तो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अगर आप यहाँ पर केकड़ा के बारे में बात करते हैं तो जो केकड़ा होता है वह इन सभी में अलग है, ऑड वन है।
चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाइट लेग हॉर्न इज ए वेराइटी ऑफ, सफेद लेग हॉर्न किसकी वेराइटी है, किसकी वेराइटी है। चलो चलिए आंसर करेंगे। ये सारा सब कुछ मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आप बच्चे गलत कर रहे हो, बहुत गलत बात है। चलिए चलिए आंसर करिए इसका, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तरह का पक्षी, और यहाँ पर एक्चुअली आप लिख लीजिए कि यह एक प्रकार का मुर्गा होता है या एक प्रकार की यह मुर्गी होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फाउल के बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रकार की मुर्गी की प्रजाति यह होती है। ठीक है, नोट कर लो। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसके बारे में, फाउल के बारे में, तो इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है ना, बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं और तीतर और मुर्गी के बीच का इनका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देता है। तो इसको फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये पक्षी ही होते हैं बेटा, ये पक्षी ही होते हैं और मुर्गा मुर्गे की तरह यह दिखाई देते हैं, मुर्गा परिवार के ही यह सदस्य होते हैं, कुक्कुड़ फैमिली कहते हैं ना जैसे, बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, टिक्स और घुन वास्तव में क्या है, टिक्स और घुन वास्तव में क्या है। चलो चलिए आंसर करेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आंसर, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे टिक्स और घुन यानी कि माइट्स वगैरह जो होते हैं, टिक्स होते हैं, घुन होते हैं, वह किससे संबंधित रखते हैं, यहाँ पर एरेकिनॉइड से यह संबंधित रखते हैं, क्योंकि इनके पास चार पैर, चार जोड़ी पैर होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पर, चार जोड़ी पैर इनके पास होते हैं, और इसीलिए यह किससे संबंधित होते हैं, एरेकिनॉइड से यह संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, टर्मिट्स आर आल्सो नोन एज, दीमक को किस रूप में जाना जाता है, दीमक की अगर आप बात कर रहे हैं तो दीमक को किस रूप में जाना जाता है, आंट, रेड आंट, व्हाइट आंट या फिर ब्लैक आंट, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, दीमक को अगर आप देखो तो वह सफेद कलर की दिखाई देती है, इसी वजह से कई बार उसको हम सफेद चींटियां भी बोल देते हैं, लेकिन यह सही बात नहीं है कि वह चींटियां हैं, नहीं, बस उनको यहाँ पर फेमस नाम है, इस वजह से इनको यहाँ पर बोला जाता है क्या, व्हाइट आंट, क्योंकि यह सफेद कलर की यहाँ पर दिखाई देती है और चींटियों जैसी तो यह दिखाई देती ही है, वैसे ही यह चलती है। तो इसीलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ग्लो वर्म इज, चमकदार कीड़ा कौन सा है, और कीड़ा की जगह अगर हम यहाँ पर शब्द प्रयोग करें किसके बारे में, कृमि के बारे में, तो चमकदार कृमि इनमें से कौन सा है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी आपको चमकते हुए कीड़े यहाँ पर दिखाई देंगे, एक ऐसा ल्यूमिनस इंसेक्ट जो चमक दे रहा है, वह क्या होता है, वह होता है जुगनू। क्या होता है वह, जुगनू, आप सभी को पता होगा। और जुगनू की अगर हम बात करते हैं तो जुगनू क्या है, एक तरह का इंसेक्ट है, क्या है, एक तरह का वह कीड़ा है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चमकदार जो कीड़ा है वह क्या है, एक तरह का इंसेक्ट है, जुगनू क्या है, एक तरह का वह यहाँ पर कीड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इनमें से कौन सा यहाँ पर एक इंसेक्ट नहीं है। चलो जल्दी से आंसर कर लो यहाँ पर, कौन सा आंसर आप लोग का सही होगा। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब यहाँ पर कर दीजिए। तो जल्दी से आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मकड़ी, क्या, मकड़ी, मकड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मकड़ी इंसेक्ट में नहीं रखा जाता है, मकड़ी कीट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर आप मकड़ी के बारे में बात करते हो तो मकड़ी को रखा जाता है एरेकनॉइड में। किस में रखा जाता है, एरेकनॉइड परिवार में रखा जाता है। एरेकनॉइड परिवार की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो शरीर होता है वह दो सेगमेंट में विभाजित होता है। अगर आप मकड़ी को देखो तो मकड़ी का जो शरीर है वह बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, गर्दन वाला जो हिस्सा है वह बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आपको हेड वाला हिस्सा दिखाई देगा और फिर सीधे उसकी एक बॉडी आपको यहां पर दिखाई देगी। ठीक है,
क्लियर है, बात समझ आ गई है। और यहाँ पर आप एक और चीज देखते हैं कि इनमें आपको इस तरीके से क्या दिखाई देगा, आठ आठ पैर आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? आठ पैर दिखाई देंगे। किसमें? एरेक्नॉइड में, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी विंग नहीं होता है, कोई भी तरह का पंख आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरह का एंटीना भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो अगर बाकी आप खटमल, मक्खी, मच्छर इन सब में बात करें तो आपको विंग्स वगैरह दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी विंग्स वगैरह नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। जबकि रेड बग, यानी कि आप खटमल के बारे में बात कर रहे हो, आप हाउस फ्लाई मक्खी के बारे में बात कर रहे हो, आप मच्छर के बारे में बात कर रहे हो, तो उनको इंसेक्ट यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन जो स्पाइडर होते हैं वह एरेक्नॉइड के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें गला वाला, थोरेसिक वाली कैविटी नहीं होती है, गला वाला कोई हिस्सा नहीं होता। बॉडी सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बटी होती है, चार जोड़ी पैर होते हैं, यानी कि टोटल आठ पैर होते हैं। किसी भी तरह का विंग आपको और एंटीना यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देता है। तो यह इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने नई जानकारी यहां पर पढ़ी है ना। चलो ठीक है। हिमालया मैम, मेरा कमेंट आपके पास आता है या नहीं? बेटा नाम लिखोगे तभी तो मैं आपका नाम बताऊंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया राहुल। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है वो है कि मकड़ियाँ कीड़ों से अलग है क्योंकि उनके पास क्या है। चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, ठीक है रुचि। चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। रवि जल्दी से आंसर बताइए बेटा इसका, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 46 के बारे में, तो 46 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। अभी जस्ट ही तो बताया था आपको कि जो भी हमारी मकड़ियाँ होती हैं उनमें कितने पैर होते हैं? आठ पैर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? आठ पैर पाए जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट इंसेक्ट अमंग फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, इनमें से कौन सा कीट नहीं है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था मकड़ी, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मकड़ी। तो अगेन देखो क्वेश्चन वही है पर उसकी जो लैंग्वेज है वह थोड़ा सा अलग यहाँ पर आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ द कॉमर्स। अपने जीवन चक्र में किस स्तर पर रेशम कीट वाणिज्य का उत्पादन करता है? चलो जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बताइए, ठीक है अनूप नमस्ते, ठीक है हिमानी बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर, 48 का कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए सी आंसर। कौन सा? सी आंसर, यानी कि कोष्ठी कीट, यानी कि जब भी यहाँ पर प्यूपा बनता है, जब भी प्यूपा बनता है उसी टाइम पर ही रेशम कीट का क्या किया जाता है, रेशम कीट से यानी प्यूपा से रेशम यहाँ पर बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्यूपा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। लार्वा यहाँ पर गलत है बेटा, लार्वा यहाँ पर गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आईएएस में भी आए हुए हैं, पीसीएस में भी आए हुए हैं। स्टेट वाइज जो होते हैं ना आपके पीसीएस वाले जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, ठीक है। चलिए आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बस आपका हो गया, ये तो आज खत्म ही हो गया पूरा। चलो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ठीक है गौरव नमस्ते, ठीक है अमरेश नमस्ते। तो आज तो ये आपका चैप्टर जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो आज आप लोगों की यहाँ पर जल्दी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक स्पेशल पॉइंट कि 8 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर भी मेरी क्लास होगी। तो आप सभी बच्चों को वाईफाई स्टडी चैनल पर 8 बजे मेरी क्लास में जरूर आना है। और रात के 10 बजे साइंस इंजन क्लास भी आपकी सेम यहीं पर
साइंस हेवन चैनल पर होगी। जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 29th को, ठीक है, 29th ऑफ जनवरी को मैं बहुत सारे स्पेशल क्लासेस लेकर के आ रही हूँ वाईफाई स्टडी चैनल पर। ज़्यादा नहीं, 30-30 मिनट के ही होंगे, बहुत सारे लगातार मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाऊंगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो उस क्लास को भी आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है? तो सभी तैयार है ना? बिल्कुल। और अभी वाईफाई स्टडी चैनल पर फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, 8 बजे सब आ जाना, अलार्म लगा लो, ठीक है? चलो, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और अपना